ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावदीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शांति 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 ही बोलो श्री श्रीमानंदमय की जय जय मां एवरीबॉडी जय मां यू नो मां यूज्ड टू मेक शी ऑलवेज टू से कि लेफ्ट ओवर जो चावल हो ना जो आपने मतलब बच गया हो चावल उसका मां यूज्ड टू मेक अ छोंक इट्स वेरी सिंपल वी कॉल इट वघारेलो भात यू नो वी मेक इट एट होम ऑल द टाइम एंड इट्स कॉल्ड वघारेलो भात फॉर अस बट मां यूज्ड टू कॉल इट भाते भात इट्स वेरी सिंपल जस्ट छोंक लगा के चावल को ये कर दो और मां यूज्ड टू से भाते भात बन गया सो टुडे आई एम मेकिंग दैट मां रेसिपी ऑफ भाते भात ओके इट्स वेरी सिंपल Later on in the ashrams, I've shown you one bhate bhat earlier also. That is how with all the sabzis it is made in the ashram. So whatever it was available, Ma used to just do a chalk and that was it. So let's come here. Then I'll show you the ingredients as I go on throwing inside, okay? जैसे जैसे डालूंगी ना वैसे वैसे आपको दिखाती जाऊंगी Today I've taken this मट्टी का मटका which I was telling you कि मुझे भीमपुरा में मैंने लिया देखो कितना सुंदर है एक काली मट्टी है जो वहां गांव में मिलता है यू नो एंड देन यू हैव टू ब्रिंग इट होम और इसको स्लो पे रखिए बहुत हाई पे मत रखिए शायद टूट जाए आई डोंट नो और तेल डालिए पहले ठीक है उसके बाद थोड़ा गर्म होने दीजिए सो इसको ना घर लाके फिर इसको थोड़ा करना पड़ता है पानी में भिगो के फिर उसको सुखाना पड़ता है धूप में तब जाके वो पक्का होता है नाउ सी दिस इज ये राई है और जीरा है दोनों लिया है और इसमें डाल दीजिए मट्टी को थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने में फिर कड़ी पत्ता डाल दीजिए फिर मैं इसमें डालूंगी जितना तीखा चाहिए आपको जितना तेज चाहिए उतनी मिर्ची डालिए ठीक है अदरक डालिए अच्छे से अदरक के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं तो अदरक डालिए मैं सब डाल देती हूँ ये हुआ उसके बाद वो तो मैं बाद में डालूंगी अभी डाल देती हूँ चलो हल्दी थोड़ी हल्दी डालिए उसके बाद नमक गैस स्लो पे रखिए हाँ नमक डाला फिर थोड़ी सी चीनी डालिए शुगर दैट्स इट उसके बाद बड़ा चम्मच नहीं है इसको थोड़ा मिक्स करिए अभी भी एकदम गर्म नहीं हुआ है इसमें टाइम लगता है मट्टी में गर्म होने में अभी क्रैकल नहीं हुआ है ये थोड़ा अभी हो रहा है ठीक है उसके बाद आप सारा चावल डाल दीजिए जितना डालना है आपको ये दिस इज लेफ्ट ओवर राइस बचा हुआ चावल सो सिंपल ना माँ ने बनाया तो टेस्टी है ही और हम लोग गुजराती लोग बहुत बनाते हैं ये घर में वघारेलो भात ही कॉल इट और हांडी में ये ना मट्टी में कुछ स्वाद ही अलग है इसका ये करने के बाद आप क्या करिए
ऊपर से टमाटर डालिए, जैसे मैंने बोला जो भी हो डाल दीजिए, तो थोड़ा टमाटर डाल दिए और मिक्स करिए। इट लुक्स सो गुड ना भारती, मट्टी में इसकी शोभा ही कुछ और है। ये मट्टी के बर्तन में आप कढ़ी भी अगर बनाओ, खिचड़ी बनाओ, बहुत टेस्टी बनती है, मट्टी की खुशबू आ जाती है। तो काफी लोग मुझे बोलते थे जब मैं भीमपुरा जाऊं ना, तो बोले कि हमारे लिए मट्टी के बर्तन लाना। मैं बोली अरे भाई उठा के लाना बहुत मुश्किल है, रास्ते में आधे तो टूट जाते हैं और मैं हमेशा गाड़ी में जाती हूँ, बाय कार। 10 घंटे का ड्राइव होता है मुंबई से, पर मैं जाती हूँ, मुझे गाड़ी का ड्राइव बहुत अच्छा लगता है। तो 10 घंटे हो या जो भी हो मैं गाड़ी में जाती हूँ, तो मेरे से जितना लाया जाता है मैं डिक्की में डाल के ले आती हूँ, फिर कुछ टूट भी जाते हैं क्या करूं अभी मेरे 4-5 टूट गए हैं बर्तन, पर इसका मैचिंग कुछ ऐसा मिलता नहीं है। ठीक है, इसका ढक्कन कुछ और होगा, ब्राउन मट्टी का है इसका ढक्कन और ये काली मट्टी है, वो चलता है सब। ये हो गया, उसके बाद लास्ट आप क्या करिए, नींबू डालिए, नींबू का रस एंड थोड़ा हरा धनिया। दैट्स इट, वघारेलो भात रेडी छे। गुजराती समझते हैं, थोड़ा थोड़ा बोल रही हूँ। मीन्स रेडी है, छे मीन्स है, रेडी है। मास भाते भात इज रेडी, सब चीज माँ को याद करके ही मैं करती हूँ, माँ के बिना तो कुछ काम होता ही नहीं है मेरा। बोले आप खाना पकाते वक्त माँ का नाम, माँ का फोटो क्यों डालते हैं, किसी ने बोला। अरे मैंने बोला माँ के बिना कुछ होता है क्या जिंदगी में, माँ ना हो तो कुछ नहीं है, ये करवाता कौन है मेरे से, माँ ही करवाती है मेरे से, होगा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, माँ ना हो तो कुछ नहीं है। हो गया, देखिए गैस बंद, इट इज यम, बहुत टेस्टी है। ये तो आप लोगों की प्रेरणा है जो आप कहते हैं कि हमें और रेसिपीज दीजिए, इसलिए मैं बना रही हूं, वरना कोई जरूरत नहीं है, क्यों बनाऊं वरना। करेक्ट भारती, यस, क्यों बनाए हम, हर माँ ही बनवाती है, माँ की वजह से ही सब कुछ है, वरना कुछ नहीं होता है लाइफ में। अगर माँ का नाम लेके नहीं करो ना तो कुछ नहीं होता है, इसीलिए माँ का फोटो डालती हूँ थंबनेल में। मैं जो रोज खाना पकाती हूँ आपको दिखा रही हूँ कि ये सात्विक भोजन ऐसे बनता है विदाउट अनियन गार्लिक, तो इसमें भी आप मुझे कॉमेंट जरूर दीजिए कि आपको क्या लगता है, जिसने कॉमेंट की वो सही है या गलत है, प्लीज बताइए। जय माँ, ये देखिए, देख लीजिए, बिकॉज मैं सर्विंग में नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही दिखा रही हूँ, इट्स नॉट सो हॉट, लवली ना। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावदीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 ही। बोलो शिशिमानंदमय की जय। आज का माँ का भाते भात जो चौक वाला लेफ्ट ओवर चावल है वो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि माँ ने बनाया है। जय माँ।